हेलो दोस्तों, मैं हुजूई छोड़ूंगी नहीं मैं मूवी कोई। तो टाइगर 3 के टीजर के लिए भाई सब फैंस एंड ऑडियंस आर ईगरली वेटिंग। भाई तैयार हो जाइए, बस 8 दिन में इसका ट्रेलर आ रहा है जो 16 अक्टूबर को रिलीज होगा और फिल्म रिलीज होगी दिवाली पे। तो भाई आपको तो पता ही है, जवान का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 1000 करोड़ क्लब में पहुंच गया है। तो बहुत सारे जो फैंस आर सेइंग कि भाई ये जो टाइगर 3 का रिलीज दिवाली पे होने वाला है तो मतलब ये 1000 करोड़ जरूर पास कर जाएगा। कि ये क्या मतलब 2000 करोड़ों में पहुंच जाएगा, क्योंकि टाइगर एक था टाइगर और टाइगर जिंदा जिंदा है, ऐसे दो मूवीज ऑलरेडी सलमान खान की ऑलरेडी आ चुकी है। एंड जो यशराज फिल्म्स है उनका एक ड्रीम है भाई स्पाई यूनिवर्स में। उन्होंने इन दो फिल्मों के साथ वो इस फिल्म के साथ वो एंट्री करने वाले हैं। जैसे पठान मूवी में सलमान ने एक 2 मिनट रोल किया था, वैसे ही यहाँ पे ऐसे कहा तो मार्वल का और एवेंजर्स का जैसे एक यूनिवर्स है ना, वैसे भी इनका भी होने वाला है। शायद इसमें टाइगर श्रॉफ रहेंगे वॉर मूवी के साथ, ऋतिक रोशन भी रहेंगे, सलमान रहेंगे और शायद अपने शाहरुख खान भी रहेंगे। बॉलीवुड और टॉलीवुड ने दोस्ती कर ली है तो हमें पता चल गया है, क्योंकि अनिरुद्ध भाई अभी वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर तो हो ही गए, वैसे संदीप वांगा रेड्डी की एनिमल विद रणबीर ले लो या जवान जो है हमारी शाहरुख खान की वो ले लो, भाई पूरा बॉलीवुड टॉलीवुड मिक्स हो चुका है अब, ये बात तो साबित हो गई है। तो वैसे ही एक नया मूवी आ रहा है जहां पे रहेंगे हमारे संजय दत्त जो एक एंटागोनिस्ट का प्ले रोल प्ले कर रहे हैं विथ साउथ के जो सुपरस्टार है, मतलब बाय गॉड उनका स्टारडम है। उनकी ये 67th फिल्म रहेगी जिनका नाम है विजय थैलापति। भाई मूवी का नाम है लियो द ब्लडी स्वेट करके एक मूवी अभी जल्दी रिलीज होने वाली है, जिसका टीजर अभी 6 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है। अनिरुद्ध का म्यूजिक रहेगा, आपको तो पता ही भाई कोलावरी डी से जो उन्होंने एंट्री मारी है, वैसे यहां पे भी बैकग्राउंड स्कोर का दमदार परफॉर्मेंस लेके फुल ऑन एक्शन थ्रिलर ये मूवी रहने वाली है, ऐसे टीजर से पता चलता है। बहुत सारी चीजें कश्मीर में डायरेक्ट की है भाई, थोड़ा सा ऐसे मुझे लगा कि शायद विजय का यहाँ पे डबल रोल है क्या। तो हाल ही में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को काफी मतलब एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप है जहां पे मनी लॉन्डरिंग के लिए समन ईडी ने समन किया है, जहां पे काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम इंक्लूडेड है, श्रद्धा कपूर, हिना खान, रणबीर कपूर और शायद कपिल के बारे में ये नाम भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जहां पे ईडी ने उनको समन किया है। तो भाई ये थोड़ा सा न्यूज पंगे वाली न्यूज है, इससे शायद बॉलीवुड के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो थोड़े से मतलब टाइटा फिश हो जाएंगे क्या। तो एक बैड वाली न्यूज ऐसी है, जो थैंक यू फॉर कमिंग नाम की मूवी आ रही थी जहां पे हमारी भूमि पेडनेकर और मतलब शहनाज गिल का एक डेब्यू बॉलीवुड मूवी में वो दिखाई देने वाली थी, और कुशा कपिला एंड डॉली सिंह एंड शिबानी बेदी ये लीड एक्ट्रेसेस यहाँ पे रोल प्ले करने वाले थे। काफी अच्छी कॉमेडी, मतलब ये ऐसे आपको तो पता ही ये एकता कपूर की मूवी है तो थोड़े से डबल मीनिंग वाले वैसे टाइप ये मूवी कॉमेडी मूवी थी है, मतलब वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। लेकिन द बैड न्यूज इज ये काफी सारे टॉरेंट वेबसाइट से ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, ऑनलाइन लीक हो चुकी है। भाई ये तो गंदी बात है भाई, ऐसे आपने जो मतलब जो व्यूअर्स है भाई, इतनी सारी मेहनत रहती है डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर्स का, इतना पैसा वहां पे रहता है एंड जो एक्टर्स है भाई, तो ये जो गलत चीज रुकनी चाहिए, पायरेसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन भाई लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर करके काफी सारी चीजों काफी सारी जगह पे ये मतलब देख डाली है ऑलरेडी। जवान मूवी है 2023 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका पहुंच चुका है, आज तक की शायद बॉलीवुड की ये बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी है, जो 1100 करोड़ तक पहुंच गई है। भाई साउथ में मतलब तमिल तेलुगु मलयालम काफी सारे मूवीज में रिलीज हो चुकी है, प्लस ये वर्ल्ड वाइड मतलब आउटसाइड इंडिया भी रिलीज हो चुकी है। आपको तो पता ही है इसमें दीपिका है, नयनतारा है और अपने है शाहरुख खान जो की है अटली ने डायरेक्ट, और इसमें है अनिरुद्ध का म्यूजिक। न्यूज के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल कभी एस कभी नो, एंड टिल देन बहुत मूवीज देखिए, गाने सुनिए एंड एंजॉय कीजिए। टिल देन जस्ट बाय बाय।